इंदौर से महेश्वर एक परिवार घूमने गया था। घूमने के बाद नर्मदा में नहाने के लिए उतर गए, लेकिन वहां पर बड़ा हादसा हो गया। पहले बेटा डूबा और चिल्लाया तो माँ उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ी। इसके बाद पीछे बेटी भी गई, तीनों की डूबने से मौत हो गई। माँ बेटी का शव मिल गया है, बेटे की खोज की जा रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन में पर्यटन नगर महेश्वर में नर्मदा नदी में नहाने के दौरान बेटे के डूबने पर माँ बेटी बचाने नर्मदा में कूदे। माँ बेटी सहित 18 वर्षीय बेटे की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने सर्चिंग करके माँ और बेटी के शव को बाहर निकाला। इस घटना में एक परिवार मिनटों में खत्म हो गया। घटना महेश्वर के पेशवा घाट की है, जहां पर नहाने के लिए परिवार रुका था। जानकारी के मुताबिक खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर महेश्वर के पेशवा घाट पर नर्मदा नदी के नहाने के लिए इंदौर का राजपूत परिवार पहुंचा। स्नान के दौरान नर्मदा नदी में 18 वर्षीय विक्रम तो 44 वर्षीय माँ उर्मिला, पति करण सिंह राजपूत निवासी अरविंदो हॉस्पिटल के पास इंदौर और 25 वर्षीय बहन मोहिनी, पति संजय दास भवानी नगर इंदौर विक्रम को बचाने के लिए नदी में कूद गए। बेटे और भाई को बचाने में मां उर्मिला और बहन मोहिनी डूब गए और उनकी मौत हो गई। सर्चिंग के दौरान महिला उर्मिला और मोहिनी के शव निकाले गए। बेटे विक्रम को तलाश किया गया तो उसकी भी मौत हो चुकी थी। SDM अनिल जैन का कहना है कि राजपूत परिवार इंदौर से भ्रमण के लिए महेश्वर आया था। यहाँ पेशवा घाट पर वे नहाने के लिए पहुंचे। ये घाट नहाने के लिए प्रतिबंधित है। यहाँ नहाने के दौरान महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई और एक युवक की तलाश की जा रही है।